पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए मामले को लेकर शाहजहां शेख को सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई ने हिरासत की मांग की थी। संदेश खाली मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहजहां शेख को आज बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा है। रिमांड मांगा था, 4 दिन कोर्ट ने अलाउ किया और हमारा जो बेल प्रेयर है वो रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और नजर 8 जो केस है उसमें भी प्रेयर किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। सीबीआई का प्रेयर रिजेक्ट हो गया और नेक्स्ट 14 तारीख प्रोडक्शन का डेट है, 14 तारीख आएगा यहाँ पे। इससे पहले बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद ही कोलकाता पुलिस ने शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दी थी। अवमानना को लेकर भी हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुकी है। कोर्ट ने 2 हफ्ते में बंगाल सीआईडी विभाग को जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि कथित राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख के संदेश खाली आवास पर छापेमारी करने गई ईडी टीम पर हमला हुआ था। इसके अलावा शाहजहां शेख पर अपने गुर्गों के साथ जमीन हड़पने, जबरन वसूली और महिलाओं पर ज्यादती करने का भी आरोप है।